हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे इतने खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे कि जिसको आप देखेंगे तो आपको देखते ही आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और आपका मन करेगा कि हमेशा आपको, अरे इस प्लांट को मैं हमेशा इसी तरह से ऐसे देखता रहूं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, एक जोरा प्लांट। आज हम एक जोरा प्लांट के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि हम इसको कैसे लगाएं और इसकी केयर कैसे करें और ये किस सीजन में फ्लावरिंग करने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इन सब बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बंचेज में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट देने वाला प्लांट है दोस्तों ये। तो पहले तो आपसे मैं ये बता दे रही हूँ दोस्तों कि ये मतलब कि पूरे साल भर आपको फ्लावरिंग देगा, मात्र 2-3 महीने को छोड़ के। मतलब ये जब वही थोड़ा सा धूप आना बंद हो जाता है, ठंड का मौसम आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी से फिर ये अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो 3 महीने ये कम से कम फ्लावरिंग नवंबर तक ये देता है, लास्ट नवंबर से फ्लावरिंग देना बंद करता है दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको इस प्लांट को कैसे लगाएं, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो आप इसमें आप लीजिए, इसका जो है मतलब मिट्टी जो आप बनाएं एकदम मतलब कि हल्की बनाएं ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे, एकदम सॉफ्ट इसकी मिट्टी बने दोस्तों। तो पहले तो आप इसमें एक हिस्सा आप इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा खाद ले लीजिए, चाहे वो गोबर की खाद हो और चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, और एक हिस्सा आप इसमें बालू मतलब कि ले लीजिए, और इसमें अगर आप थोड़ा सा नीम खली डाल देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो इन सबको मिक्स करके आप इसको 12 इंच के पॉट में लगा दीजिए दोस्तों। 12 इंच के नीचे के पॉट में मत लगाइएगा, क्योंकि इसका एक पौधा ये क्या ये पेड़ होता है, तो आप इसको जितने भी बड़े गमले में लगाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा शेप हमारा ये अपने आप ही बन गया है दोस्तों। हमारे पास इसका 2 कलर का प्लांट है, रेड और पिंक। तो ये दोस्तों अपने आप ही ये पूरा इसका राउंड शेप में ये अपने आप ही बन गया है, और ये बंचेज में फ्लावरिंग एक साथ कई फ्लावर देते हैं। देखिए, अभी हमारा ये पौधा छोटा सा पौधा है और कितना अच्छा फ्लावरिंग दिया है दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसको, मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। तो दोस्तों, इसका तो हो गया गार्डन सॉइल कि कैसे हम आप बनाएं इसका मिट्टी। और अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं, ज़मीन में, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप इसको लगा दें, ये अपने आप ही इसका ग्रोथ होने लगेगा दोस्तों। और इसमें फर्टिलाइज़र दोस्तों, आप अगर इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बना के डालेंगे तो इसका ग्रोथ और भी अच्छा होगा। और बीच बीच में आप इसमें गोबर की खाद डालते रहें, एक एक मुट्ठी इस गमले में, 12 इंच के गमले में, महीने 1.5 महीने पे एक बार। और अगर फर्टिलाइज़र चाय पत्ती और कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र इसमें सबसे बेस्ट होता है, तो आप इसको एक बार डाल के देखिए। तो ये है दोस्तों कुछ, और ये ठंडी में 2 से 2.5 महीने के बीच में ये मतलब कि क्या होता है कि ये डोरमेंसी में चला जाता है दोस्तों। तो डोरमेंसी में जाता है, फिर 2-2.5 महीने बाद फिर अपने आप ही इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इसकी पत्तियां झड़ के गिरती नहीं हैं, बस ये फ्लावरिंग देना बंद करता है, जिस स्टेप पे रहता है उसी स्टेप पे ये रुक जाता है। फिर जब इसका सीजन आता है तो अपना ये ग्रोथ आगे स्टार्ट कर लेता है दोस्तों। और इसमें आप कम से कम सुबह और शाम और दोपहर 1 बजे तक आप इसमें धूप देंगे तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। मतलब कि दिन भर में कम से कम आप अगर इसको 5 से 6 घंटा इसको सनलाइट देंगे तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। ये धूप में चलने वाला पौधा है, इसको अगर छांव थोड़ा आप देंगे तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा दोस्तों। तो अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ इतने सारे पौधे में इतने सारे फ्लावर खिले भी हैं और इतने सारे इसमें बर्ड्स बने हैं। हर एक ब्रांच में कई कई सारे सारे बर्ड्स इसमें, देखिए अभी छोटे छोटे भी बर्ड्स इसमें बन रहे हैं, और एक एक ब्रांच में कई कई गुच्छों में फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है दोस्तों। और ये हमारा रेड कलर का पौधा है,
अभी इसमें फ्लावरिंग दे के अभी बंद हुआ है, लेकिन अब फिर से इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, नए नए इसमें बर्ड्स बन रहे हैं, एक दो बंचेज इसमें फ्लावरिंग किए भी हैं, ये देखिए। तो ये हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक्जोरा। एक्जोरा को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, ये देखिए कितना सुंदर है। तो आज मैं सोची कि आपको इसके बारे में कुछ बताएं, इस प्लांट के बारे में। और भी अगर जानकारियां लेनी हो दोस्तों तो आप इस हमारे कमेंट में आप लिखिए, और ताकि मैं अगर मुझे और भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसकी अगर प्रूनिंग करनी है दोस्तों तो अभी ये मानसून का सीज़न है, अभी इसका बेस्ट सीज़न है। अगर आप इसमें प्रूनिंग करना चाहते हैं तो अभी इसमें आप प्रूनिंग कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसे अभी एक बार अभी ये एक पौधा आप लगा देंगे एक पॉट में इसको, तो कम से कम ये डेढ़ दो साल तक आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डेढ़ साल साल एक डेढ़ साल बाद ही आप इसको रिपोर्ट करके कर देंगे तो इसमें फ्लावरिंग और भी अच्छा होगा। अभी ये हमारा देखिए डेढ़ साल लगभग हो गया है इस पौधे को, मुझे इसमें रिपोर्ट करना है। आप इसमें प्रूनिंग और रिपोर्ट एक साथ मत करिएगा मानसून सीजन में दोस्तों। इसमें आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इसके, और इसमें मतलब कि कटिंग भी इसका प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग और प्रूनिंग में कम से कम एक हफ्ते का अंतर दीजिएगा डिफरेंस, ताकि इसमें ग्रोथ अच्छी हो। दोनों के एक साथ मत करिएगा। तो कुछ हैं दोस्तों इसके टिप्स और केयर। उम्मीद करती हूँ तो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और हमारा प्लांट भी आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो उनके लिए विशेष रूप से कह रही हूँ कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए वीडियो पे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, बाय।